अध्याय 13। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नहीं था, और उसके पांव भालू के सा और मुंह सिंह का सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वो मरने पर है, फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले, और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और ये कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन उससे लड़ सकता है, और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया, और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया, और पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हों वो सुने, जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वो तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वो अजगर की नाई बोलता था, और ये उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करता था, और वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहां तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें उन्हें मरवा डालें। और उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है।